मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी पखवाड़े में जयपुर को कई सौगातें देंगे। सीएम गहलोत 250 करोड़ के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जनता को समर्पित करेंगे, जबकि 219 करोड़ रुपए के 6 नए प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखी जाएगी। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के लोगों को जल्द ही सौगात मिलने वाली है। पिछले 3.5 सालों से इंतजार कर रहे सोडाला एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। आगामी पखवाड़े में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोडाला एलिवेटेड रोड का लोकार्पण कर जयपुर वासियों को सौंपेंगे। सोडाला एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट टॉक रोड से अजमेर रोड के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर, 250 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा कॉरिडोर। सोडाला से अंबेडकर सर्किल की ओर जाने के लिए 1 किलोमीटर 800 मीटर लंबा कॉरिडोर, अंबेडकर सर्किल से अजमेर एलिवेटेड रोड तक 2 किलोमीटर 800 मीटर का कनेक्टिविटी रहेगी। सहकार सर्किल रेलवे क्रॉसिंग हवा सड़क से वाहन चालक सीधे अजमेर रोड जा सकेंगे। नंदपुरी तिराहे से पहले रैंप उपलब्ध होगा। चंबल पावर हाउस तिराहे सोडाला तिराहे पर रुकना नहीं पड़ेगा। सिविल लाइन सर्किल 22 गोदाम सर्किल पर ट्रैफिक में कमी आएगी। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 219 करोड़ रुपए की लागत के जेडीए के 6 प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखेंगे। 43 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट की लागत 73 करोड़ 29 लाख रुपए। प्लांट के निर्माण के लिए सांगानेर के सांझरिया गांव में जमीन आवंटित की गई है। प्लांट निर्माण करने वाली फर्म 10 सालों तक संचालन और रखरखाव करेगी। पृथ्वीराज नगर नॉर्थ में कालवाड़ रोड से लेकर लालरपुरा रोड एरिया को फायदा मिलेगा। 6.25 लाख से ज्यादा की आबादी को फायदा मिलेगा। पृथ्वीराज नगर नॉर्थ में फेज 1 के पैकेज में 1 सिविल लाइन डालने का कार्य। प्रोजेक्ट की लागत 16 करोड़ रुपए। 600 mm से लेकर 900 mm सीवर लाइन डाली जाएगी। सीवर लाइन की लंबाई 13,642 मीटर होगी। 637 मैन होल का निर्माण कराया जाएगा। सिरसी मोड़, वीर तेजाजी चौराहे, रंगोली गार्डन, गांधी पथ वेस्ट सहित कई कॉलोनियों के लोगों को फायदा मिलेगा। पृथ्वीराज नगर नॉर्थ में फेज 1 के पैकेज 2 में सीवर लाइन डालने का कार्य। प्रोजेक्ट की लागत 36 करोड़ 80 लाख रुपए। 1200 mm की मेन सीवर लाइन डाली जाएगी। मेन सीवर लाइन की लंबाई 13,682 मीटर होगी। 687 मैन होल का निर्माण किया जाएगा। कालवाड़ रोड से लालरपुरा क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। मेन सीवर लाइन वीर तेजाजी चौराहे से शुरू होकर गांव निमेरा, नटलालपुरा, मूड़िया, पुरोहितान, हिम्मतपुरा और सांझरिया गांव तक सीवर लाइन जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजधानी जयपुर में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखेंगे, जिसमें मास्टर ड्रेनेज सिस्टम, गेस्ट हाउस का निर्माण शामिल है। मास्टर ड्रेनेज सिस्टम वंदे मातरम मार्ग से लेकर मुहाना मंडी तक प्रोजेक्ट बनेगा। जेडीए 36 करोड़ रुपए खर्च करेगा। नाले की लंबाई करीब 5.5 किलोमीटर होगी। जेडीए की शिव एनक्लेव योजना से गुलर कैनाल तक नाले का निर्माण होगा। पृथ्वीराज नगर की कॉलोनियों, मुहाना मंडी की कॉलोनी के लोगों को फायदा मिलेगा। बरसाती पानी भरने की समस्या खत्म होगी। लुनियावास गोने रोड पर मास्टर ड्रेनेज का काम होगा। जेडीए 14 करोड़ रुपए खर्च करेगा। सड़क के दोनों तरफ 3.5 किलोमीटर लंबे नाले का निर्माण होगा। लुनियावास तिराहे से लेकर जवाहर नाले तक नाले का निर्माण होगा। लुनियावास इलाके में बसी कॉलोनियों को फायदा मिलेगा। बरसाती पानी सीधे जवाहर नाले में जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पास गेस्ट हाउस का निर्माण। अतिथियों के लिए 88 कमरों का गेस्ट हाउस बनेगा। प्रथम चरण में करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से 44 कमरों का गेस्ट हाउस बनेगा। सेंटर के पास 8,500 वर्ग मीटर में निर्माण होगा। 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग होगी। मेजा 9 फ्लोटर पर बैंक्वेट हॉल और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। पहली और दूसरी मंजिल पर 44 कमरों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस सोडाला एलिवेटेड रोड का लोकार्पण करने वाले हैं, इस एलिवेटेड रोड पर जेडीए की ओर से आर्किटेक्चरल डायनेमिक फसाद लाइटिंग की गई है, जो देश में अपने आप में नायाब है। जेडीए की मंशा है कि इसी लाइटिंग के साए में शाम के समय लोकार्पण व शिलान्यास समारोह आयोजित किया जाए। जेडीए ने मुख्यमंत्री को इसके लिए प्रस्ताव भी भिजवा दिया है। इस प्रस्ताव में जेडीए ने सिफारिश की है कि नवरात्रि के त्योहारी माहौल में ये लोकार्पण व शिलान्यास समारोह आयोजित किया जाए। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज जयपुर।